कान्हान कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम दो बांध के विरोध में डूब क्षेत्र में आने वाले सभी ग्रामवासियों ने मिलकर जनपद पंचायत मोहखेड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भवारी के ग्राम संगम में महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें सोसर मोहखेड़ और जुन्नार देव ब्लॉक के सभी किसान भाइयों ने बांध निर्माण को रोकने के लिए एक सुर में आवाज लगाई और साथ ही में सरकार के सामने पुरजोर तरीके से विरोध प्रकट करने के लिए रणनीति बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाश बोसम कोरकू समाज जिला संयोजक छिंदवाड़ा ने कहा कि आज भी आज़ाद भारत में भी आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले आदिवासियों ने ही संग्राम छेड़ा था, परंतु आज भी आदिवासी अपने हक अधिकार और इतिहास के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम संगम में आए हैं क्योंकि पूरा आदिवासी क्षेत्र है, तो कन्हान कॉम्प्लेक्स परियोजना बांध के अंतर्गत आ रहा है। इसके लिए हम बांध रोको आंदोलन की चेतावनी देने समस्त मोहखेड़ ब्लॉक नादेव ब्लॉक और चौसर ब्लॉक के संयुक्त रूप से महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें हमने आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। आज दिनांक 28/11/2021 को ग्राम संगम में कन्हान कॉम्प्लेक्स परियोजना बांध के निर्माण कार्य रोकने हेतु महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डूब क्षेत्र के लोगों के द्वारा बांध के विरोध में अपने अपने विचार रखे और आगे की रणनीति बनाई गई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सोसर से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।